दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसके एक इशारे पर इंदौर की कपड़ा मिलों का चक्का घूमना बंद हो जाता था। ऐसा व्यक्तित्व जिसे पंडित नेहरू जी ने कहा था कि आप कांग्रेस में आ जाओ, मैं आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं होमी दाजी के बारे में, कॉम्रेड होमी दाजी के बारे में। होमी दाजी का जन्म 5 सितंबर 1926 को मुंबई के फमरोज दाजी के यहाँ पर हुआ था। इनके पिता की भी एक स्पिनिंग मिल थी, पर 1930 में जो भारी महामंदी आई थी उसके कारण इनके पिता की जो स्पिनिंग मिल थी उसका काम बंद हो जाता है और इनके पिता दिवालिया हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें इंदौर में आना पड़ता है। क्योंकि इंदौर में उस समय कपड़ा मिलों का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इनके पिता बेहतर संभावना की तलाश में इंदौर आते हैं। इंदौर में इनके पिता को काम तो मिल जाता है, परंतु 10 महीने तक उनको तनख्वाह तक नहीं दी जाती है। इस सबसे परेशान होकर उनके पिता यह नौकरी छोड़ देते हैं तथा घर की सारी जिम्मेदारी इनकी माँ संभालती है, जो कि छोटे मोटे कपड़े सिलने के काम करके अपना घर चलाती है। इस समय होमी दाजी इंदौर के सेंट रेफेल्स स्कूल में पढ़ रहे थे। इन्हें पर पैसों की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही थी। जब इनके टीचर को इस बात की खबर चलती है तो वह काफ़ी दुखी हो जाती हैं और वह यह कहती है कि जो मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट था उसे पैसों की कमी के कारण अब स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। उसका समाधान यह निकलता है कि वह स्कूल में पढ़ाई तो नहीं कर सकते, पर स्कूल से बाहर पढ़कर वह स्कूल में परीक्षा दे सकते हैं। तो होमी दाजी क्या करते थे कि वह अपने पड़ोसी जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे उनसे किताबें लिया करते थे, वो भी कब, रात के लिए जब वो सो जाया करते थे, तथा होमी दाजी रात में उन किताबों को पढ़कर सुबह उन बच्चों को वापस लौटा दिया करते थे। और उन्हें जो भी डिफ़िकल्टी आती थी वह बच्चों से पूछते थे कि अपने टीचर से पूछ कर आना। इस तरह से उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाता था और होमी दाजी की भी पढ़ाई हो जाती थी। इस तरह उन्होंने मैट्रिक तक अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करी। मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबरों में पास करने के कारण उन्हें उन्हीं के पारसी समाज की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। वह अपनी एमए की डिग्री आगरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हैं, जिसमें उनकी रैंक सेकंड आती है। इसके बाद वह वकालत का पढ़ाई जारी रखते हैं। वकालत की पढ़ाई करने के बाद दाजी चाहते तो एक वकील की प्रैक्टिस करके अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल ले आते, परंतु दाजी कठिन रास्ता चुनते हैं, वह संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। क्योंकि दाजी युवा अवस्था से ही कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे, तो वह सोचते हैं कि अब मैं अपना सारा जीवन मजदूरों के संघर्ष के लिए समर्पित कर दूंगा। 1946 में होमी दाजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI को ज्वाइन करते हैं और वह इसी में मुख्य धारा में जुड़कर अपना काम करने लगते हैं। उनके काम से प्रभावित होकर CPI उन्हें 1950 में मॉस्को में होने वाले मई डे सेलिब्रेशन के लिए भेजती है, तथा 1957 में वह पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट से चुनाव जीतते हैं, जो कि एक मजदूर बहुल सीट थी। विधानसभा में भी वह लगातार मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। फिर वह समय आता है 1962 का। 1962 में दाजी पहली बार संसद के यानी कि लोकसभा के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, जिसमें वह विजयी हो जाते हैं और संसद में जाके फिर वह मजदूरों के लिए हक की लड़ाई वहाँ पर जारी रखते हैं। संसद में दाजी को एक प्रखर वक्ता के रूप में जाना जाता था। जब दाजी बोलते थे तो विपक्ष और पक्ष दोनों उन्हें ध्यान से सुनता था। पंडित नेहरू भी उस समय जब दाजी बोलने के लिए आते थे तो अपने जो भी सांसद होते थे कांग्रेस के, उन्हें शांत करवा के दाजी को ध्यान से सुनने के लिए कहते थे। एक बार उन्होंने दाजी से यह कहा था कि आप वहाँ कहाँ CPI में बैठे हों, आपको तो कांग्रेस में होना चाहिए। इस पर उनकी पत्नी पैरिन दाजी कहती है, जो कि वहीं पर उस समय मौजूद थी, कि यदि ये कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस पर लगाम कौन रखेगा। तो होमी दाजी की कहानी उनकी पत्नी पैरिन दाजी के बिना बिल्कुल ही अधूरी है। पैरिन दाजी एक अमीर घराने की लड़की थी, जिसे होमी दाजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करते थे। पैरिन भी एक पारसी परिवार की थी। पैरिन होमी दाजी के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई थी कि 16 साल की उम्र में ही उन्होंने होमी दाजी को विवाह का प्रस्ताव भेजा था, परंतु होमी दाजी ने इसे नकारा। और यही नहीं, लगभग 10 बार उन्होंने इनके द्वारा भेजे गए विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया था, क्योंकि
दाजी को पता था कि उनका जीवन काफ़ी संघर्षों का है और पेरिन एक कुलीन घराने की लड़की इस संघर्ष में नहीं जी पाएगी, पर फिर भी पेरिन दाजी ओमी दाजी से कहती है कि नहीं, मैं आप क्या हर जैसी भी स्थिति हो उसमें आपका साथ दूंगी। फिर होमी दाजी बाद में पेरिन दाजी से भी प्रभावित हो जाते हैं उनका समर्पण और त्याग देखकर कि अंततः वह विवाह कर ही लेते हैं। इन दोनों के निजी जीवन में लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी मुसीबतें आती गईं। सबसे पहले इनका बेटा जो कि एक काबिल वकील था, वह अपनी युवावस्था में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह भी होमी दाजी की तरह समाज सेवा एवं मजदूरों के संघर्ष का ही हिस्सा बन जाता है, परंतु किसी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी बेटी जो कि मॉस्को से डॉक्टर की पढ़ाई करके आई थी और जो कि इंदौर में आके उन्होंने एक प्रोग्रेसिव डॉक्टर का एसोसिएशन भी बनाया था, उसकी भी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। इन सब मुसीबतों को झेलते हुए पेरिन और होमी अपना मजदूरों के लिए संघर्ष लगातार जारी रखते हैं। 1972 में दाजी फिर से इंदौर विधानसभा से चुनाव जीत जाते हैं। इसके साथ ही वह AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहते हैं। दाजी को 1992 में ब्रेन हेमरेज के कारण शरीर में लकवा मार जाता है, जिसके कारण वह व्हीलचेयर पर आ जाते हैं। इससे उभरने में उन्हें काफ़ी वक्त लगता है, फिर भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। इस संघर्ष के कठिन समय में पेरिन दाजी हमेशा साए के साथ उनकी तरह लगी रही और एक समय ऐसा भी आता है जब उनका स्वास्थ्य इतना गिर जाता है, फिर भी वह संघर्ष करते रहते हैं, व्हीलचेयर पर जाके ही संघर्ष करते हैं। और एक बार जब वह जिस जगह पे आंदोलन हो रहा था उस जगह पे नहीं जा पाते तो घर से ही बैठे बैठे एडमिशन चालू कर देते हैं। तो पेरिन उनसे पूछती है, तुम्हारा स्वास्थ्य इतना ख़राब है फिर भी तुम घर बैठ के एडमिशन कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा, इससे तुम्हें क्या मिलता है? तो दाजी कहते हैं, घर बैठ के ही मैं एडमिशन तो कर रहा हूँ, पर इससे मुझे अपने जो साथी है जो अपने संघर्ष जो कर रहे हैं उनके साथ होने की अनुभूति मिलती है। दाजी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था, उन्हें डायबिटीज़ भी हो गई थी। इसी के कारण सन 2009 में उनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। इसके बाद पेरिन दाजी अकेले ही मजदूरों के लिए आवाज़ उठाती रहती है, पर अंततः 2019 में 91 वर्ष की आयु में वह भी हमें अलविदा कह देती है। दाजी के जाने से जो इंदौर की राजनीति में जो शून्य बना उसे आज तक भी कोई नेता नहीं बढ़ पाया। उनके बाद उनके जैसा मजदूर नेता आज तक नहीं आया। दाजी का सम्मान हर दल के हर ग्रुप के व्यक्ति पूरी तरह से करते थे। वह दलगत राजनीति से काफ़ी ऊपर जा चुके थे। दाजी का सम्मान दूसरे दलों में इतना था कि जब उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था तब की जो सरकार थी उन्होंने सरकारी पैसे से ही उनका इलाज कराया था। तो यह थी होमी दाजी को हमारी तरफ से छोटी सी श्रद्धांजलि। आशा करते हैं आपको आज कुछ नई जानकारी मिली होगी।